नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इंडिया ऑनलाइन में। दोस्तों, अब देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 के तहत सरकार ने कई तरह की छूट दी हैं। भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट भी बना दी है, यहां देश भर के अलग अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए कोविड ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बताते हैं कि आप ई पास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने आपका वेब पेज डाल दिया http://serviceonline.gov.in। अब मैं इसको खोलता हूँ, हमारे ऐसा पेज खुलेगा। ये अभी मैं मोबाइल पर खोल रहा हूँ, आप चाहो तो मोबाइल पर भी खोल सकते हो और लैपटॉप पर भी ओपन कर सकते हो। अब इसको करना है सिलेक्ट स्टेट टू अप्लाई ई पास, आपने इस पर क्लिक करा। अब जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो मैंने यूपी करा। ई पास मैनेजमेंट सिस्टम बाई यूपी आएगा नीचे, इस पर मैंने क्लिक करा। तब ये आ रहा है, इसमें एक पेज खुल रहा है, ई पास मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई ई पास। अब मैंने अप्लाई ई पास पे क्लिक कर दिया। अब ये ऐसा पेज खुलेगा। अब इस पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ ना, ये डाल के मैं ये नीचे कैप्चा है उसको डालूँगा 73738 टाइम, प्लीज़ वेट फॉर 2 or 3 minutes आफ्टर क्लिकिंग ऑन जनरेट OTP बटन। एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या है कि ये नई वेबसाइट बनी है और सभी लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से कभी कभी ये OTP लेट आ रहा है। क्या है, अब मैं इस OTP को टाइप करता हूँ, OTP टाइप करके सबमिट बटन प्रेस करा है। इसके बाद एप्लीकेंट नेम आ रहा है, इसमें मैं अपना नाम डालता हूँ, ठीक। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप इसमें कुछ भी डाल देते हैं। सपोज हमने इसमें ले लिया 2014। जेंडर आप डाल सकते हैं, आप अपना कंप्लीट एड्रेस, मैंने सपोज XYZ123 डाला। उसके बाद आपको पास किसके लिए चाहिए, मतलब शहर के अंदर के लिए चाहिए या शहर के पूरे शहर के लिए चाहिए, मतलब आप अगर आपकी इसेंशियल सर्विसेज हैं या फिर आपका ऑफिस शहर के बाहर है तो आप इसमें अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेंगे, और आपका शहर के अंदर है तो आप विद इन डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ एप्लीकेंट। अब इसमें आता है कि आपके मतलब शहर का नाम, आप इसमें अपने शहर का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा तहसील नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप जब अपना यहाँ पे शहर का नाम, जैसे सपोज मैंने अमेठी सिलेक्ट करा, उसके बाद ये रिफ्रेश होकर यहाँ पे तहसील नेम आ जाएगा, विद इन डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई करा मैंने, उसके बाद अमरोहा कर दिया तो इसमें तहसील का नाम आ गया। अब जैसे मैंने कोई भी तहसील सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आएगा पास फॉर सेल्फ और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं या फिर ऑफिस जाने के लिए आपको पास चाहिए तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको अपने स्वयं के लिए पास चाहिए, मीन जैसे घर से बाहर निकलने के लिए या कोई काम है, आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन है या फिर कोई भी काम है आपको, मतलब कोई भी काम इन द सेंस जो इसेंशियल सर्विस हो, जैसे आपकी शादी है उसके लिए चाहिए या फिर आपके रिलेशन में कोई शादी है उसके लिए चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया सेल्फ, सेल्फ में आपके देखिए सेल्फ सेलेक्ट करने पर आ रहा है स्वास्थ्य सेवा, पशुओं के स्वास्थ्य सेवा सहित। अब जैसे यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा सिलेक्ट सर्विस। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे तो आप इसमें नाम देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अन्य आवश्यक सेवाएं व्यवस्था जिन्हें भारत सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाए, मींस इसमें आएगा आपका अगर आपके घर में शादी है या फिर कोई फंक्शन है या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अन्य आवश्यक सेवाएं व्यवस्थाएं जिन्हें सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाए, आपने इसको करा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे आप नंबर ऑफ पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, मीन ये कोई कंपनी ही अप्लाई करेगी, लेकिन फिर भी आप अगर शादी वगैरह में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ये शादी के लिए, या फिर ये अभी वेबसाइट अपडेट नहीं है, जब अपडेट हो जाएगी तब मे बी इसमें ऑप्शन आ जाएगा सेल्फ में ही शादी का या फिर कोई फंक्शन का।
अदरवाइज अगर नहीं है तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करके अन्य आवश्यक सेवाएं व्यवस्थाएं जिन्हें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम सपोज एक्स वाई जेड डाल दिया, नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम 5 अप्लाई कर सकते हैं तो हमने 5 अप्लाई करा। सर्विस डिस्क्रिप्शन रीजन पर्पस मींस अगर आपको किस वजह से चाहिए वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन शुड बी नेम ऑफ द ऑथर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस अगर आप जैसे कंपनी के उससे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उनका नाम डाला, जो सबसे पहला नाम आएगा कंपनी के डायरेक्टर का, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, कंपनी आईडी नंबर, आईडी टाइप कौन सी है उनके पास, कौन सी आईडी है कंपनी की, उसके बाद आईडी नंबर और उनके जिस गाड़ी से आती हैं वो व्हीकल नंबर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप केवल वही व्हीकल नंबर डालेंगे जिससे आप ट्रैवल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे आप ट्रैवल करते हैं केवल वही व्हीकल नंबर। अब यहाँ पर डालेंगे रीज़न कि आपको पास क्यों बनवाना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया शादी के लिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ विजिट मींस आपको ऑफिस कहाँ है, किस डेट से आपको किस डेट तक के लिए चाहिए वो, आईडी प्रूफ चाहिए, इसमें आपको जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर कोई कंपनी है तो वो अपने जीएसटी सर्टिफिकेट लगा सकती है, लाइसेंस लगा सकती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपनी का लगा सकते हैं। उसके बाद अपलोड आईडी मींस यहाँ पे आपको अपनी आईडी लगानी होगी, एप्लीकेंट फ़ोटो लगाना होगा और यहाँ पे गाड़ी का नंबर, उसके बाद यहाँ पे आईवी डिक्लेयर, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन दबाना है। आपका ध्यान रहे कोई भी आईडी प्रूफ वगैरह 200 केवी तक हो और एप्लीकेंट का जो फ़ोटो है वो 100 केवी तक का हो। आप कहेंगे सबमिट कर देंगे आप तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को इसमें सर्च करके देखेंगे बाद में तो आपको उसमें स्टेटस मालूम पड़ जाएगा। वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।